सच साहस सरोकार। मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। नरेंद्र मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वह सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी, ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना व शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। योगी ने ट्वीट कर नेताजी को श्रद्धांजलि दिया। वहीं मायावती ने समाजवादी पार्टी के बेओपद नेता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। मायावती ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार व सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्ण क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां धरती पुत्र मुलायम सिंह जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार जन व समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर कहा श्री मुलायम सिंह यादव जी जुझारू संघर्षशील और समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वे संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश के राजनीति के 5 दशक तक के केंद्र बिंदु रहे। उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा नहीं रहे दादाजी अब इस दुनिया में। अदिति यादव ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़ों शोषित किसानों जवानों की आवाज धरती पुत्र सपा के संरक्षक देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को श्रद्धांजलि दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्ण क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। प्रियंका गांधी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के रक्षा मंत्री व सामाजिक न्याय के सशक्त पैराकौर के रूप में प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है नेताजी को। उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यादव अखिलेश व अन्य सभी प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी है। मेरी गुरु धरती पुत्र नेताजी मेरे लिए पिताजी आज को लोक वासी हो गए। अपर्णा यादव ने श्रद्धांजलि दिया है। सत्य है कि धरती पर शरीर रूपी जीव नश्वर है। इस सत्य की वेदना सहन करने की मुझे और नेताजी से प्रेम करने वाले सभी लोगों को ईश्वर शक्ति दे। अपर्णा यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन दुखद है। उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूर्ण क्षति है। वे बड़ी समाजवादी नेता थे। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे और गरीबों अधिकारियों के लिए लड़ने वाली प्रभावी आवाजों में से एक थे। उत्तर प्रदेश एवं देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनसे मेरा व्यक्तिगत लगाव था। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर
श्रद्धांजलि दी है। उनके निधन से मुझे काफी दुख पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे। मनोहर लाल ने कहा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी वट वृक्ष सपा संरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मर्माहत। देश की राजनीति में वह वंचितों को अग्रिम पत्ती मिलाने उनका अतुलनीय योगदान रहा है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उनकी यादें जुड़ी रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मुलायम सिंह यादव को ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में स्थान दे। वह अपार दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ओम शांति। देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मैं ईश्वर से दिवंगत की आत्मा शांति तथा उनके परिजनों को अशंसकों व संबल प्रदान करने की कामना करती हूँ। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। संजय सिंह, आप नेताजी से अंत मुलाकात की तस्वीर उनके स्नेह के शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नेताजी अमर रहे। विनम्र श्रद्धांजलि। संजय सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। धरती पुत्र नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी किसान आंदोलन के माध्यम से सदैव स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि दिया। ट्वीट कर गरीबों मजदूरों किसानों की लड़ाई लड़ने वाले महानेता जो मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री के रूप में जनता की सेवा की है, आज हमारे बीच में नहीं है। इस दुख की घड़ी में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप देख रहे हैं।